अहमद कैसे माफियागिरी जब करता था तो चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूला जाता था। ये देखिए, ये 35,000 की एक पर्ची है जहां पर इंडियन बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं और अलग अलग अमाउंट्स के ये अलग अलग पर्चियां रिसीट जो है वो यहाँ पर अनुराग सामने आई है। ये अतीक अहमद के इलीगल को कैसे वो लीगल करके पर्ची पर लेता था ये इस तस्वीर में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये है बैंक का नाम, जैसे बैंक में कोई पर्ची भरवाई जाती है ठीक वैसी पर्ची भरवाई जाती थी, और ये खाता जिसका डाला जाता था वो अतीक अहमद का होता था। इलीगल तरीके का पैसा होता था लेकिन लीगल तरीके से लेता था गुंडा टैक्स अतीक अहमद, और ये उसके सबूत है। देखिए, ये 3.5 लाख रुपए पर था। अब ये बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन था पैसों का वो करते हुए अतीक अहमद उन पैसों को अपने खाते में डलवाता था। और अनुराग, ऐसा लग रहा है अलग अलग पर्चियों में आप देखेंगे 3.5 लाख रुपए एक तरह से जैसे फिक्स कर दिए गए हो। हर पर्ची में कहीं ना कहीं ये अमाउंट जो है वो नजर आता है कि जो गुंडा टैक्स वसूला जाता था उसकी सीमा यहाँ पर 3.5 लाख रुपए की गई थी। किस तरह से वो अपना साम्राज्य यहाँ पर चला रहा था आप समझिए जरा। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए जो कि वकील हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा भी जुड़ गए। अनुज, सबसे पहले जानकारी आप ही से लेते हैं, ये इलीगल तरीका था कि वो गुंडा टैक्स किसी से वसूले, यानी कि अतीक अहमद किसी से गुंडा टैक्स वसूले, लेकिन वो लीगल तरीके से लेता था यानी कि अपने अकाउंट में लेता था, इन पैसों का ब्यौरा भी वो सरकार को दिया करता होगा। जी निश्चित तौर पर, चुनाव लड़ने के लिए चूंकि अतीक अहमद जो है था वो कई बार विधायक रहा, सांसद रहा, और बाकायदा जब वो चुनाव लड़ता था तो उसके लिए उसने एक टैक्स निकाल रखा था जिसका नाम था चुनाव टैक्स। और ये टैक्स किससे लिए जाते थे? ये टैक्स लिए जाते थे कारोबारियों से, बड़े बिल्डर से, उनसे बाकायदा पैसा लिया जाता था और लीगल तरीके से पैसा लिया जाता था। यानी पैसा जो लिया जाता था वो कहीं ना कहीं अकाउंट में लिया जाता था, इसका जाहिर तौर पर वो ब्यौरा जो है वो भी देता था। यानी इससे साफ होता है कि अतीक अहमद कितना शातिर था और किस तरीके से वो अपने साम्राज्य को उसने बड़ा किया। जाहिर तौर पर जहां तक उसकी काली कमाई की बात की जाए तो हजारों करोड़ की उसकी काली कमाई है। अब उस पर शिकंजा कसा है और लगातार उसके बारे में कई चौंकाने वाली चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। ये इस टैक्स के बारे में भी, ये जो पर्ची है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये पर्चियां हैं जिसमें दो कैटेगरी की पर्चियां होती थी। एक कैटेगरी में 3 लाख से कम अमाउंट की पैसे डाले जाते थे, जबकि दूसरी जो पर्ची है उसमें 3 से 5 लाख के बीच का टैक्स जो है वो वसूला जाता था। बाकायदा बड़े कारोबारी जो होते थे, बिल्डर जो होते थे, चूंकि रसूख ऐसा था अतीक अहमद का कि उससे डरकर वो ऐसे टैक्स देने को मजबूर होते थे। यहाँ पर बिल्कुल जाहिर बात है अनुज, की मजबूरी थी उन व्यापारियों की कि वो केस तक दर्ज नहीं करवा पाते थे और जितने पैसे यहाँ पर उगाही के तौर पर लिए जाते थे वो उनको जमा कराने पड़ते थे। अनुज, अब बने रहेगा हमारे साथ में, विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सर, आप देखिए जरा, मतलब चुनाव लड़ने के लिए किस तरह से टैक्स के रूप में 3.5 लाख रुपए यहाँ पर लिए जाते थे, कैसे अपने साम्राज्य को लगातार अतीक अहमद की ओर से चलाया जा रहा था और उसे रोकने वाला उस दौरान कोई नहीं था। जी, जिस तरीके से संगठित जबरन धन वसूली हो रही है ऐसी कोई मिसाल आपको ढूंढना मुश्किल है। जबरन धन वसूली ऐसे देखी थी कनपटी पे पिस्तौल लगा करके पैसे ले लेना, मांग लेना, लेकिन बैंक के खाते में डलवा देना, ऐसा दुस्साहस आपने कम देखा होगा। ये इसके शातिर दिमाग की उपस्थिति कि न सिर्फ ये बैंक में ये पैसा जबरदस्ती धन वसूली और ये अपने इनकम टैक्स में और सरकार को दिखाना भी कि ये चंदे में हमारे हितैषियों ने हमें ये इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा दिया है, ये बात नहीं बताई जाती थी कि ये चंदा दरअसल एक तरीके से धमकी का और रंगदारी टैक्स था उसका। तो रंगदारी टैक्स को दूसरा आयाम दे करके इन्होंने उसमें एक और खूबसूरती ला करके इन्होंने दिखाई थी, और ये दुर्भाग्य था कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई जबरन धन वसूली। जितनी बार इन्होंने धन इस तरीके से वसूला था, अगर सबके बयान ले सब कहेंगे हम क्या करें, हम मरता क्या ना करता, न देते तो इन हमारी हत्या हो जाती। बिल्कुल सर, बहुत अहम बात आपने कही। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए वकील हैं, प्रैक्टिशनर हैं। सर, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये पर्ची जो सामने आई है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे अतीक अहमद पैसों को वसूला करता था, कैसे वो एक्सटॉर्शन का पैसा जो था वो अपने बैंक में ट्रांसफर करवाया जाता था, ये किस तरह से उसका पर्चा खोल देता है, और साथ ही साथ उसके खिलाफ क्योंकि कुछ लोग उसके बचाव में भी हैं, वो कह रहे हैं इक्का दुक्का मामले साहब जिसमें वो दोषी करार दिया गया है, तो ये कानूनी तौर पर कितना बड़ा सबूत साबित होने वाला है? अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन, माफिया को अपना आदर्श मानना, माफिया का जो आपराधिक
कृत्य है उसको फॉलो करना, मैं समझता हूं कि एक सभ्य समाज का रूल ऑफ लॉ जिस देश में हो वहां का ये जो है उस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा, इलेजिटिमेट अमाउंट लेजिटिमेट तरीके से लेजिटिमेट बैंक में जमा करना, ये क्राइम प्रोसीड्स एक तरह से, माने आप जो है अपने आतंक का वो भय दिखा करके आप लोगों को ना भेजकर हफ्ता वसूली ना करके आप उसको एलिजिटिमेट अमाउंट लेजिटिमेट तरीके से मैं बैंक में रख रहे हैं और उसका टैक्स भी पे करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे चाहने वाले हैं। अतीक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और अतीक के जाने के बाद साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आज भी अतीक का स्लीपर सेल सक्रिय है। और ये समझिए कि सियासत का माफिया के साथ, अपराधी के साथ जो गठजोड़ था कि किस तरीके से सियासत में, और जिस तरह से आप अश्विनी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से वो साम्राज्य चलाया करता था वो भी खत्म नहीं हुआ है फिलहाल। वापस हम आपके पास लौटेंगे। साबरमती जेल से सिंडिकेट अतीक अहमद चलाया करता था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मोबाइल के जरिए वो अपना सिंडिकेट वहां पर चलाता था और एक बिल्डर को धमकी देकर उसने 5 करोड़ रुपए तक मांगे थे। अब आपको ये बताएं कि बिल्डर ने असद को 80 लाख रुपए दे दिए, असद जो कि बेटा है, और उसको 80 लाख रुपए दे भी दिए गए। आप सोचिए जरा कि किस तरह से अतीक अहमद का दबदबा था, यूं कहिए कि वो कितनी गुंडागर्दी करता था, लोगों को डराता था, धमकाता था, और उसी के चलते लोग पैसा देने पर मजबूर हो जाया करते थे। वो पैसे कितने मांगता था, जिस बिल्डर से पैसे मांगे थे उसने 5 करोड़ रुपए उगाहने की कोशिश की थी और बिल्डर को मजबूरन 80 लाख रुपए देने भी पड़े थे। हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए। मनीष, ये अतीक अहमद को लेकर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है ये तो एक बहुत बड़े खुलासे के तौर पर भी है, दूसरी चीज ये है कि ये लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इतना कितना पावरफुल था कि ये जेल से बैठकर ही अपना सिंडिकेट चलाता था, जेल में बैठकर ही ये लोगों से उगाहियां किया करता था। देखिए अनुराग, ये किसी से छिपा नहीं है कि जेल में बैठकर ही अतीक ने अशरफ से बात की, अतीक ने असद से बात की, अतीक ने शायस्ता परवीन से बात की। जब अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रहा था तो जो जीशान, जो अतीक अहमद का रिश्तेदार है, जो उससे पीड़ित भी है, उसने जानकारी दी थी कि अतीक अहमद कोई एक सिम का इस्तेमाल नहीं करता, एक सिम उसने परिवारजनों के लिए आरक्षित करी थी जिससे वो अपने फैमिली मेंबर से बात करता था, दूसरी सिम जिनसे वो धमकी दिया करता था लेकिन धमकी देने के बाद तुरंत वो सिम तोड़ दिया करता था, जेल में बैठकर ही ये सारे हथकंडे किया करता था। तो ऐसे ही अतीक अहमद ने एक जो कारोबारी हैं उनको फोन किया था, उनसे 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी, 5 करोड़ में से 80 लाख रुपए उस कारोबारी ने अतीक के बेटे असद को मुहैया भी कराए थे और उसी का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया था। बकायदा एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था, उस मैसेज में जिक्र था कि ना मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सबको मालूम है कैसे उसकी लॉन्चिंग होनी है, तो धमकी भरा मैसेज भेजा था, फोन किया था और सिम को तोड़ दिया था। तो अलग अलग तरह के सिम इस्तेमाल करता था अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए और इसी के दम पर उसने अपना बड़ा सिंडिकेट बना लिया था। शायस्ता परवीन भी बातचीत में कहा करती थी, जब वो फोन किया करती थी या जब उससे लोग मिलने आया करते थे, कहती थी कि वो गद्दी पर जब बैठा करती थी, कहती थी कि अपने यहाँ पर लिखी थी जिसके बाद ये हश्र उसका हुआ, ये भी सबने देखा है।